हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने IBACIO 2017 के पेपर के बारे में। और इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम ये जानेंगे कि पेपर आता कहाँ से है, आया कहाँ से था और क्या क्या इसके सोर्सेस थे, जो क्वेश्चंस थे वो कहाँ से बने हुए थे। तो इस सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो आपके सामने मैं आपको IB 2017 का जो पेपर है वो भी दिखाऊंगा और उनके जो सोर्सेज हैं मैं उन्हें भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि आपका अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे कौन कौन से कोर्सेज देख सकते हैं। पैराजंबल का कोर्स 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स 8 बजे चलता है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन का बैच है, इसके अलावा वोकैबुलरी का बैच मंडे से शुरू हो रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बैच शुरू हो रहा है, इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 का दिखता है, लेकिन आफ्टर रेफरल कोड आपको ये 5850 का मिल जाता है। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास चल रही है आपकी, शाम को 6 बजे IBACIO का पेपर हम लोग शाम के 6 बजे कर रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोपहर में 1 बजे भी फ्री क्लास होती है। तो इन दोनों फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी लिंक्स जरूर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। बात शुरू करें पेपर की, तो पेपर को अगर हम जरा देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ था, द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन्स ₹30,000। ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से था, ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा हो, साथ ही साथ अगर आपने ये क्वेश्चन देखा हो, तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अब तक लगाए होंगे, शायद जो लोग इसे IB की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाया हुआ होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो इसमें कहता है इन द कंपनी एवरेज इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज पर मंथ इज 20,000 रुपीज, रिसेंटली द कंपनी अनाउंस 2,000 रुपीज पर मंथ फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, इसका इंक्रीमेंट किया है। तो अब नई आपकी इन एवरेज इनकम क्या है इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो देखो ये दो सवाल मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको इनका सोर्स मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप लोग अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पर जाएंगे, अफेयर्स क्लाउड में ये पेपर जो कंडक्ट हुआ था ये अक्टूबर 2017 में हुआ था, और अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पर ये क्वेश्चंस आपको 28 जुलाई 2017 की डेट में दिखते हैं। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा, देखिए 28 जुलाई 2017 की डेट है, और उसमें आप अगर एवरेज का इनका एक सेट था, एक एवरेज का सेट इन्होंने पोस्ट किया होगा वेबसाइट पर, तो वहां से ये पूरे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। अगर आप ये देखें एवरेज मोबाइल फोन्स ऑफ, इसका आपका आंसर 19,000 आता है। और दूसरा क्वेश्चन जो कि गलत था, देखो यहां पर ₹22,000 लिखा हुआ है, यहां पर 1,22,000 लिख गया गलती से, और इसीलिए ये क्वेश्चंस गलत आ गया। तो देखो यहां से ये पूरे क्वेश्चंस उठाए गए थे इसकी वेबसाइट से, एवरेज यहां से आपका, अगर आप पूरे क्वेश्चन देखेंगे तो ये यहां पर 10 क्वेश्चन का सेट है, और ये पूरे के पूरे 10 सवाल जो हैं अगर आप यहां तक देखते हैं एज इट इज रखे हुए हैं। 10th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड हाउस, ये 10th क्वेश्चन तो आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का है, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन यहाँ से हैं अगर आप इसे देखेंगे तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 तक देखिए, एवरेज का क्वेश्चन नंबर 6 तक है, तो ये देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एवरेज का यहीं तक रखा हुआ है, द एवरेज प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ कॉलेज ऑन मंडे ट्यूजडे, तो देखिए सेम क्वेश्चन रखा हुआ है आपका वेंसडे, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट से है। एंड इसके अलावा ये अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पर तो आपको दिखता ही दिखता है, साथ ही साथ मैं आपको एक और बताऊं, मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, दैट्स व्हाई मैं उस चीज़ को शो नहीं कर सकता। और ये सेट जो है एवरेज का ही एक सेट जो आप लोगों ने कंपटीशन अड्डा करके एक वेबसाइट, कंपटीशन अड्डा नहीं, कंपटीशन पावर करके, जो SSC अड्डा का पुराना नाम था, SSC अड्डा या आप लोगों ने अड्डा 247 का जिसको पुराना नाम था, कंपटीशन पावर करके नाम था इनका, तो इनकी शीट थी एवरेज की, इनकी एक शीट थी, वो शीट इन्होंने एज इट इज कॉपी करी थी। उस शीट में, वो ऑफलाइन शीट थी इसलिए वो मेरे पास इस समय है नहीं, लेकिन उस शीट में एज इट इज क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन गलत रखा था उन्होंने, 1,22,000 उन्होंने शीट में रखा था, तो एज इट इज क्वेश्चन यहां पे भी गलत मिल जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चंस हैं वो किसके हैं, आपके टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, लगातार आपको यहां से क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 अगर आप देखते हैं 17 तो यहाँ तक 17 क्वेश्चन तक आपको सारे सवाल टाइम एंड डिस्टेंस के लगातार दिखते हैं। और ये सारे टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल आपको कहाँ से मिलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के सारे सवाल आपको इसी अफेयर्स क्लाउड की ही वेबसाइट से मिलते हैं। अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे 27 जुलाई को ये पोस्टेड है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक सेट है। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस का सेट देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा, द डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड हाउस ऑफ अ सुरेश इज 80 किलोमीटर्स, देखिए सेम क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर पाएंगे
तो ये देखिए सेम क्वेश्चन रखा हुआ है, दिस डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड हाउस ऑफ सुरेश इज 80 किलोमीटर्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनीता गोज टू कॉलेज एट 20 किलोमीटर्स, देखिए सेम क्वेश्चन है दूसरा, अनीता गोज टू कॉलेज एट 20 किलोमीटर्स, 16, 12, 15, 10 के ऑप्शंस है, 16, 12, 15, 10 के ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, टू प्लेसेस आर एंड एस आर 800 किलोमीटर्स अपार्ट, आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिखेगा, 800 किलोमीटर्स अपार्ट, 1:3, 1:2, 1:4, 3:2, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिखते हैं। इसी तरीके से आर एंड एस 800 किलोमीटर्स अपार्ट जो है, और दूसरा 260 किलोमीटर्स का ऑप्शन देखिए यहाँ तक हमको मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, इसमें थोड़ा सा बदला, इसमें 6 hours 20 minutes रखा हुआ है, इसमें इन्होंने एट विच यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है और इस सवाल में टाइम पूछ रहा है, तो लगभग सवाल वही है, थोड़ी सी चीज़ें इसमें इस सवाल में इन्होंने बदल दी है, यहाँ पर भी 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर है, इसमें व्हाट एक्स्ट्रा टाइम पूछा है, यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस पूछ दी है, लेकिन क्वेश्चन लगभग लगभग वहीं से उठाया गया है। इसी तरीके से अजय कवर्स वाला डिस्टेंस देखिए 1200, सेम क्वेश्चन रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 10th क्वेश्चन है, अरविंद स्टार्टेड स्टेशन हाफ अ किलोमीटर, तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका अरविंद वाला क्वेश्चन अजय कवर्स तक रखा हुआ है, इसके बाद 15th क्वेश्चन आपका है ये, हाँ अजय कवर्स रखा हुआ, उसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन है ड्राइवर वाला, सीज अ बस 40 मीटर्स अहेड ऑफ हिम, ये देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चंस नहीं है इनके, तो ये दो क्वेश्चंस आगे टू रैबिट्स वाले क्वेश्चन है, टू रैबिट्स वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, और प्रणव वॉक्स क्वेश्चन नंबर 17 जो है, प्रणव वॉक्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा आपको, प्रणव वॉक्स वाला, तो सारे के सारे सवाल आपके वहाँ से लिए गए थे। इसके बाद में जो ये एरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं ये भी रैंडम सोर्सेज से कलेक्ट किए थे। अगर आप देखेंगे तो जो शुरुआत के दो जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए क्वेश्चन नंबर 17 तक, वो दो ही चैप्टर से वो सवाल आ रहे हैं आपके, एवरेज और दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस। और इसके बाद हमारा 17 के बाद 8 सवाल और हमें, 25 सवाल है तो 8 सवाल हमें और मिलते हैं, ये थोड़ा सा नंबर सीरीज के सवाल हैं और आपका नंबर सीरीज और एक दो क्वेश्चंस आपके और आपको दिखते हैं जो टाइम एंड वर्क के हैं या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के हैं। तो ये सवाल आपको भी किसी ना किसी वेबसाइट पर अगर आप बहुत ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, बट मुझे एक पुख्ता सोर्स नहीं मिला जहां से इकट्ठे क्वेश्चंस लिए गए हों, इसलिए मैंने आपको शो नहीं किया है, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को गूगल करेंगे तो आपको ये कई जगहों पर ये क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट से आए हैं, बट ये 17 के 17 सवाल आपको अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगर इस पेपर को थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अगर हम इस क्वेश्चन को पेपर को आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये मिलता है 2017 से इंडियन एशियन यूथ समिट का क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए 14th to 19th August 2017 का सवाल है। इसके अलावा यहाँ पर ये सवाल September 2017 का है, ये August 18, 2017 का है, ये सवाल भी August 18, 2017 का है, और ये सवाल भी August 18, 2017 का है। इसी तरीके से आप ये सवाल देखेंगे, ये थोड़ा सा बाहर का सवाल है, ये July 18, 2017 का है। सो अगर आप अगर करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स यहाँ पर अगर जैसा मैंने आपको साफ साफ दिखाया, करंट अफेयर्स आपको दो ही जगह से मिलते हैं, एक आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स 14 से 19 अगस्त के मिलते हैं, 2017 के मिलते हैं, इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स आपको सितंबर के मिलते हैं और कुछ जुलाई के मिलते हैं। तो मोटा मोटी जो करंट अफेयर्स था वो ज़्यादातर देखा जाए तो एक ही हफ्ते का करंट अफेयर मिल रहा है, और ये सारे के सारे सवाल चूंकि अलग अलग डेट्स के हैं इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिंक नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पर मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन भी अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पर मिलता है, ये क्वेश्चन भी अफेयर्स क्लाउड की, सारे के सारे सवाल आपको अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पर मिल जाते हैं जो उनकी करंट अफेयर्स की क्विज निकलती है उस पर। तो कहने का मतलब है कि एक ही हफ्ते के इन्होंने करंट अफेयर्स भी आपके एक ही जगह से ज़्यादातर जगह से दे दिए थे, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस तरीके से थे तो इनका कोई इकट्ठा सोर्स नहीं है, बट ये तो आपके लिए है ही कि ये तो लूसेंट में आपको सारे के सारे जवाब मिलते ही हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के लिए आपको रीजनिंग के लिए भी आपको कोई इकलौता सोर्स नहीं मिलता है और इंग्लिश के लिए भी कोई इकलौता सोर्स नहीं मिलता, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको कुछ चैप्टर्स की बहुतायत मिलेगी, जैसे आपको कल मैंने आप अगर इसमें रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में आपको जो जो चैप्टर्स ध्यान से पढ़ने हैं वो आपको देख लेना है। कैलेंडर का सवाल आपको मिल सकता है, कैलेंडर का नहीं मिल सकता है तो क्लॉक का जरूर मिलेगा क्योंकि क्लॉक का सवाल आपको इस पेपर में दिखता है। दूसरा आपको फिगर काउंटिंग का सवाल मिल सकता है, इसको आपको जरूर पढ़ना है, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा सिलॉग्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिल देगा, सिलॉग्स का क्वेश्चन मिलता है,
कोडिंग डिकोडिंग का सवाल मिलता है आपको, कोडिंग डिकोडिंग का, एनालॉजी का सवाल मिलता है, ठीक है। और दो चीजें बहुत जरूरी है आपको, इन्फ्रेंस और आपका इन्फ्रेंस वाला सवाल जरूर मिलता है और एजम्पशन और इन्फ्रेंस वाला सवाल जरूर मिलता है। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी में अब ये चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके रीजनिंग में रखे हुए हैं, तो ये सवाल आपको मिल जाते हैं। जैसे इन्फ्रेंस के सवाल आप देखोगे तो इसमें आपके रखे हुए हैं, ठीक है। और हाँ, इसके साथ साथ ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको जरूर पढ़ना है, कि ये चैप्टर्स हैं जो आपको रीजनिंग के लिए जरूर पढ़ लेने हैं, कि इनके बिना काम आपका रीजनिंग का नहीं चलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी कोई एक एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स हैं मैं वो आपको बता सकता हूँ। कि देखिए, टू डिकैम्प आपका एक आसान सा ईडियम पूछ रहे हैं। डिकैम्प का मतलब होता है अचानक से जल्दी से चले जाना। डेविल्स एडवोकेट ईडियम है, एसपी बख्शी में दिया हुआ है, जो आपका गलत आदमी का किसका साइड लेता है उसे कह सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके थोड़े से एडवर्ब एरर वगैरह के क्वेश्चंस हैं और आपकी वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। ईडियम्स के क्वेश्चंस काफ़ी हैं चीज़, इसलिए आपको ईडियम्स जरूर पढ़ने हैं। इंग्लिश के लिए मैं वही कहूँगा कि आपको कोई इकट्ठा सोर्स नहीं मिल रहा है जहाँ से आपको इंग्लिश पढ़ लेना है, लेकिन आपको दो तीन चीज़ें जरूर पढ़ के जाना है। एरर डिटेक्शन के सवाल जरूर पढ़ के जाने हैं, और आपको एरर डिटेक्शन के सवाल जरूर पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा ईडियम्स जरूर पढ़ के जाने हैं, वोकैबुलरी जरूर पढ़ के जानी है, यहाँ से आपको सवाल मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सोर्सेज की बात। सोर्सेज मैंने आपको बताए, जो सोर्सेज थे वो इकट्ठे एक ही वेबसाइट से, ज़्यादातर मैथ्स और मैथ्स के सवाल आपको एक ही वेबसाइट से मिलते हैं। रीजनिंग और इंग्लिश के लिए अलग अलग वेबसाइट है, जीके के लिए एक ही वीक के ज़्यादातर करंट अफेयर्स मिलते हैं। अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है सर, अगर ऐसा होता है तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है, ये जो आपने पूरा का पूरा वीडियो बनाया, और इससे आपका क्या फ़ायदा होता है, इसकी अगर बात करते हैं, तो देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे कि इससे आपको क्या बेनिफिट है, तो इसके बारे में हम कुछ खास नहीं कह सकते कि आपको बेनिफिट क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इससे ये इन्फ्रेंस निकालते हो, अगर आप इससे ये रिजल्ट निकालते हो कि आपको इससे सारे के सारे सवाल, आप लोग अगर आप ये करते हैं कि सब के सब अब जाके अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे टूट पड़ते हो, और अब तुमको लगता है कि अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट से ही पेपर बनना है, तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट के लिए भी मैंने बताया, उन्होंने भी अड्डा की पेपर से, अड्डा की जो ऑफलाइन शीट्स मिलती थी वहाँ से उठा के वो क्वेश्चंस रखे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं किसी रैंडम सोर्स से, बट वो रैंडम सोर्स क्या होगा, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि हम एरिथमेटिक को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। टाइम डिस्टेंस, आपका SICI, आपके एवरेज के क्वेश्चन, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम अच्छे से पढ़ें, दैट विल बी आर हमारे लिए वो एक अच्छी बात होगी और वो होशियारी की बात होगी, बजाय आप सब लोग अब अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे टूट पड़ो। हमें ये नहीं करना है, इस बार अफेयर्स क्लाउड से आया था, हो सकता है इस बार किसी और वेबसाइट से आ जाए, इस बार हो सकता है अनअकैडमी से आ जाए, तो कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा मकसद बस आपको ये बताने का था कि जो पेपर तैयार किया गया था वो थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो पूरी तैयारी के साथ नहीं तैयार किया गया है, क्योंकि अगर कोई पेपर पूरी तैयारी के साथ तैयार किया जाता तो पहली बात तो ये पड़ती है कि हम किसी एक वेबसाइट से सारे क्वेश्चंस को ना उठाएं, हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात होगी, तभी हम एक अच्छा पेपर बना पाएंगे। तो पेपर बिना तैयारी के तैयार किया गया था, वो ऑफलाइन पेपर था, इस बार ऑनलाइन पेपर है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही चैप्टर से सारे सवाल आ जाएं या किसी एक वेबसाइट से ही सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से अरिथमेटिक तैयार कीजिए, रीजनिंग के लिए मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए हैं उन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश के लिए आप लोग वोकैबुलरी को ध्यान से पढ़िए, और आप ईडियम्स को जरूर ध्यान से पढ़िए, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। इसके अलावा ACIO के लिए क्रैश कोर्स मैं आपके लिए कर रहा हूँ अनअकैडमी की वेबसाइट पर, शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, अगर आप लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो AMANT मेरा अनलॉक कोड है, उस पर जाकर आप अनलॉक कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो आपको अफेयर्स क्लाउड के लिंक हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मेरी प्रोफाइल का लिंक, मेरी टेलीग्राम का लिंक और मेरी क्लास का लिंक, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती है मेरी क्लासेस वगैरह के बारे में, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप सभी से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
चैनल पे वर्ल्ड पावर मेड इजी की पूरी सीरीज कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वो सीरीज आपको वोकैबुलरी तैयार करने में मदद कर सकती है, तो अगले 4-5 दिनों में उस पूरी सीरीज को देख डालिए। 25-26 वीडियो हैं, आधे आधे घंटे के, आराम से आप देख सकते हैं। आप उसको देख लीजिए, उससे आपकी वोकैबुलरी में मदद मिलेगी। और आगे आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो पूरी सीरीज को आप लोग देखते रहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मकसद सिर्फ ये था, मुझे बताना था कि ये क्वेश्चंस आए कहाँ से थे। इससे मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि अगली बार भी यानी इस बार भी क्वेश्चंस किसी एक वेबसाइट से आएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।